तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि जो नया बॉक्स होता है, जैसे कि कमेंट भी आ रहे थे मुझे कि एक नया बॉक्स जो है वो तैयार करके दिखाएं जिसमें मधुमक्खी भी आएगी। तो ये जो बॉक्स है ये मेरा नया बॉक्स है, ये देख सकते हैं, ये नया बक्सा है। अंदर से देख सकते हैं इसकी जो ये वाले रेशे होते हैं नए बक्स में ये रह जाते हैं, तो इसके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये बक्स का अंदर वाला जो हिस्सा है ये वो है, तो देख सकते हैं इसमें अभी जो है कितनी दरारें हैं, और जो मैंने एंट्रेंस रखी है ये बहुत ही बड़ी एंट्रेंस है। और देख सकते हैं इस बक्स को मैं आज तैयार करूँगा, और अगर कोई बीकीपर जो है नया जो भी बीकीपर हो तो इस बक्स को कैसे बनाए, अभी मैं इस बक्स को पूरा दिखाऊंगा कि इसमें नए बक्स को कैसे बनाना चाहिए जिसमें जो है लगाने के बाद स्कॉट पीस एक बार आए और पूरा झुंड जो है अपने साथ ले आए। तो दोस्तों देख सकते हैं, जब हम किसी दीवार में बक्स को लगाते हैं तब हमने बक्स को इस तरह से लगाना होता है, ऐसे जब इंट्रेंस रहेगी मधुमक्खियों को तो यहाँ से रहेगी, इस जगह पे सेंटर में इस जगह पे जो है हम इसको इंट्रेंस रखेंगे, और ये जो नीचे वाली इंट्रेंस इसको हम बंद कर देंगे। जब मधुमक्खी आएगी तब हम इस ऊपर वाली एंट्रेंस को बंद करके नीचे वाली एंट्रेंस को खोल देंगे, क्योंकि नीचे वाली एंट्रेंस है इससे क्या होता है कि मधुमक्खी खुद ब खुद जो ऊपर से कचरा गिरता है इसे सफाई करती है, इसलिए यहाँ वाला जो होल होगा वो बंद कर देना और जो नीचे वाला होल होगा उसको खुला रखना है। तो अगर दीवार में लगाएं तो दीवार के लिए ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल करना है, और अगर बाहर रखना है किसी भी जगह तो इस तरह से बॉक्स को रखना है। इस तरह से अगर यहाँ से हम सेंटर में होल करेंगे तो मधुमक्खी जो है बहुत कम चांस होते हैं आने के, तो हम क्या करेंगे यहाँ इस जगह पे जो है यहाँ पे एंट्रेंस रखेंगे, ताकि ये वाला जो साइड है इसमें अंधेरा रहेगा, और झुंड जब भी नया आता है तब वो ऐसे लटक के बैठता है, तो तब झुंड जो है यहाँ से वो अंदर से बैठेगा कुछ इस तरह से, और यहाँ से जो है मधुमक्खी अंदर बाहर निकलेगी। फिलहाल इस बॉक्स को हम तैयार करते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से जो है बोरी का एक टुकड़ा लेना है, और इसको यहाँ इस तरह से कुछ फोल्ड करना है, अगला पर्सन देख सकते हैं इस तरह से कुछ रखना है। फिर हमने क्या करना है, एक और बोरी का पीस जो है इसके ऊपर से ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, इसके बाद एक बाइंडिंग वायर जो है वायर के साथ इसको हमने टाइट करना है इस तरह से, ताकि ये छूटे ना, इस तरह से बांध के फिर इसको हमने आग लगानी। तो दोस्तों इसके बाद हमने लाइटर की मदद से इस बोरी को जलाना है। बोरी का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ मैं क्योंकि बोरी जो है आग जल्दी पकड़ लेती है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, बॉक्स के अंदर इसको बॉक्स को जलाना है। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से जो है इस बॉक्स को जलाना है, तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं मैंने जो है बॉक्स को जला लिया है। अंदर से देख सकते हैं इस तरह से जो है मैंने बॉक्स को जलाया है। अब मैंने क्या करना है, ये वाली साइड जो है ऊपर वाली साइड है, देख सकते हैं ये ऊपर वाली साइड है, और ये जो एंट्रेंस है इसको मैंने बंद कर देना है। एंट्रेंस जो है मैंने इस साइड से रखनी है, ये बक्सा है तो एंट्रेंस जो है इस साइड से रहेगी, यहाँ से जो है मैंने एंट्रेंस को रखना है, और स्कॉट बीस जब अंदर जाएगी तब वो जो है इस जगह पे चेक करेगी। यहाँ मैंने इस एरिया को जो है जला दिया है, यहाँ साइड से मैंने जला दिया है, और हल्का हल्का देख सकते हैं ऊपर से भी मैंने जलाया है, ये देख सकते हैं हल्का फुल्का जो है मैंने ऊपर से, और बैक साइड से मैंने ज़्यादा जलाया है, ये देख सकते हैं ज़्यादा, और वो वाला जो हिस्सा है इसको भी मैंने हल्का जलाया है, क्यों, तीन साइड मैंने हल्का हल्का जलाया है और इस साइड जो है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जलाया है। ये एक बार मैंने इसको जला दिया है, अब फिर से मैंने जो है दोबारा इसको जलाना है। तो दोस्तों इस तरह से जब ये कंप्लीट हो जाए अंदर से एक बार, तो फिर हमने क्या करना है, ये देख सकते हैं ये प्योर ओरिजिनल शहद है, शहद ये थोड़ा सा लाल है और ये कच्चा शहद है इसीलिए ये लाल है। हमने क्या करना है, फिर शहद को अभी ये बक्सा गर्म है तो इसके ऊपर से लगा देना है, हल्का 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 हर जगह पे अच्छी तरीके से लगाना है, ऊपर वाली साइड देख सकते हैं इस तरह से,
फिर दोबारा से, और जितना शहद लगेगा उतना शहद हमें इसको लगाना है अच्छे तरीके से। इस साइड भी लगाना है, ये देख सकते हैं ये एंट्रेंस की जगह, इस जगह पे अब मैंने होल नहीं किया है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमें शहद को लगाना है इस तरह से। शहद जब पूरे बक्स में लग जाए तीनों साइड, ये वाली साइड लगाएं तो अच्छा, नहीं लगाएं तो भी अच्छा है। तो यहाँ से जो देख सकते हैं आप, यहाँ इस जगह पे मैं एंट्रेंस रखने वाला हूँ बक्स की, और यहाँ से जो है मैंने शहद लगा दिया है, ऊपर से भी मैंने शहद लगा दिया है, इस फटे पे भी मैंने ऊपर ऊपर से जो है शहद लगा दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, तो दोस्तों इस तरह से जब शहद लग जाए तब हमने इस बोरी को दोबारा से जलाना है, जले तेल ही ना। दोस्तों इस तरह से शहद लग चुका है और फिर से जो है हमने दोबारा बक्स को जलाना है इस तरह से, जो है पूरे बक्स को जहाँ से हमने शहद लगाया ऊपर से फ्रंट साइड से, इस तरह से हमने इसको और जलाना है। अब दोबारा से जलाने का क्या फायदा होता है, तो दोस्तों दोबारा से मैं बक्से को इसलिए जला रहा हूँ, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं ये शहद जल रहा है, शहद जल रहा है, और लकड़ी का जो ये फटा है ये भी बहुत गर्म है, तो ये इसके जलाने का यही फायदा है कि ये इसके अंदर लकड़ी के अंदर जो है जज़ब हो जाता है और फटे में जो है एक मिठास रह जाती है। तो इस तरह से हमने पूरे बक्स को अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं यहाँ से ये जला हुआ शहद दिखाई दे रहा है, तो ये शहद जो है ये अभी निकलेगा नहीं, ये कभी नहीं निकलता है, ये देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको, ये शहद जो है कभी नहीं निकलेगा, जबकि स्क्वाड बीज आएंगी तब वो इसको खाने लगेंगी, और इसमें 1 महीने तक है जो तगड़ी स्मेल भी रहती है बक्स के अंदर। तो इस तरह से इसके खाने के पीछे जो है स्क्वाड बीज को टाइम लगता है और ये शहद जो है निकलता नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ से ये पूरी तरह से चिपक। दोस्तों ये यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से मैंने इस शहद को जलाया, तो ये देख सकते हैं यहाँ से शहद पूरी तरह से, ये अगर मैं निकालने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं निकलेगा, ये जितना भी ये देख सकते हैं ये बिल्कुल भी अब नहीं निकल रहा है, क्योंकि लकड़ी के अंदर चले गया है, लकड़ी में ये जज़ब हो गया है पूरी तरह से। तो इसमें एक स्मेल रहती है क्योंकि ये जला हुआ शहद है, तो इसकी स्मेल कम से कम 1 महीने तक रहेगी। तो जब हम बक्स को पूरा बंद कर देते हैं, ये दरारें वगैरह जो इधर से होती हैं इनको बंद कर देते हैं, इसके बाद जो है इसमें गैस बन जाती है, सिर्फ एक एंट्रेंस को हमने रखना होता है ओपन। तो जिस जगह जिस टाइम पे स्क्वाट बीज यहाँ से खाने के लिए आती हैं, तो इसको खाने के चक्कर में उनको 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट लगते हैं, लेकिन ये निकलता नहीं है, बहुत सारी कोशिश करती हैं उसे खाने की, तब क्या होता है एक जगह पे जो है और ज़्यादा स्क्वाट बीज आ जाती हैं। दोस्तों ये जो दरारें दिख रही हैं इनको हमने पूरी तरह से जो है बंद कर लेना है, ताकि जिस टाइम स्क्वाट बीज आए तो यहाँ से जो है गैस बाहर ना निकले और ना ही हवा आए और ना ही रोशनी आए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। ऊपर जो ये देख रहे हैं ये जो मैंने शहद को जलाया है, देख सकते हैं ये निकलेगा तो अब कभी भी नहीं, जब भी स्क्वाट बीज आएगी इसको खाने की कोशिश करेगी, एक स्क्वाट बीज आएगी फिर और अपने साथियों को बोलेगी कि यहाँ पे जो है इस तरह से खाने के लिए है, और बक्सा भी मकान भी काफ़ी अच्छा है, तो तब जो है 10-12 फिर 100 फिर 200 फिर 400 मधुमक्खी यहाँ पे आएगी और इसको खाने लगेगी, लेकिन ये निकलता नहीं है और इसमें एक ज़बरदस्त मिठास रहती है। तो तब क्या होगा कि स्क्वाट बीज जितनी भी बाहर होगी वो सब की सब इसके अंदर आ जाएगी और एक रश हो जाएगा, और जहाँ पे स्क्वाट बीज ज़्यादा आती हैं उनका ज़्यादा रश होता है, तो तब जो है पूरा झुंड भी वो अपने साथ ले आती हैं। तो दोस्तों इस जगह पे मैं बक्स की एंट्रेंस रखने जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये लगभग 5 इंच नीचे मैंने इस एंट्रेंस को 5 इंच नीचे रखना है, और यहाँ से जो है ये 16 इंच यहाँ से है और 5 इंच यहाँ से, इस जगह पे जो है मैंने इसकी एंट्रेंस को रखना है। दोस्तों ये देख सकते हैं एंट्रेंस जो है इसको भी जलाएंगे ताकि ये जो है गोल हो जाए एंट्रेंस, और एंट्रेंस में जो है रेशे वगैरह नहीं होने चाहिए, ये देख सकते हैं अब जो है ये गोल हो रही है, थोड़ा सा इसको और जलाएंगे फिर जो है ये फिट हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से जो है मैंने एंट्रेंस को रखा है, और ये है ऊपर वाली साइड, और ये देख सकते हैं कितनी बड़ी जो दरार है ऊपर वाली साइड यहाँ से दिख रही है, इसमें जो है आर पार दिखाई दे रहा है, तो इसको अब हम क्या करेंगे। अब देखिए इसमें पहले नंबर पे मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगा, और इसके बाद जो है मैं मिट्टी लगाऊंगा, क्योंकि ये दरार जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए,
ये दरारें वगैरह हमने सब बंद करके इसको फिट कर देना है, के ऊपर दरार जो है, दरार के ऊपर प्रेशर से थोड़ा हल्का सा पानी मारना है, और इसके बाद मिट्टी पकड़ के जोर जोर से इसको रगड़ा मारना है ताकि जो दरार है पूरी तरह से जो है वो बंद हो जाए। तरह से देख सकते हैं नीचे फर्श पे जो है हमने एंड पे हल्की सी लिपाई करनी है, तो हमने तैयार कर लिया है। अब जो है इस जगह पे मैं इस बॉक्स को लगाने वाला हूँ और ये बॉक्स मैं शिफ्ट करूंगा दूसरी जगह पे। तो दोस्तों इस बॉक्स को मैंने दूसरी साइड किया और यहाँ पे लगाया है मैंने ये नया वाला बॉक्स, मैंने एक नया बक्सा बनाया, ये देख सकते हैं। तो ये बॉक्स जो है अब जो अगला झुंड जो भी आएगा तो इस बॉक्स में मैं ट्रैप करूंगा मधुमक्खी को, और वो जो बॉक्स है वो साइड पे रहेगा और इस बॉक्स में जो है अगला झुंड आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।